मेरे लिए सिनेमा एक पैशन, एक ऑब्सेशन था, एक निरंतर शाश्वत जुनून। बचपन से ही मुझे लगता था कि माँ ने मुझे जन्म जरूर दिया है, पर मैं जन्मा हूं सिनेमा के लिए। पिक्चर बनाना हलवा है क्या? क्या सोचा? चल पिक्चर बनाते हैं। और बन गई पिक्चर? अरे उसके लिए घिसना पड़ता है बाबू, घिसना। मुझे सीधा साधा बैलों की तरह काम करने वाला मजदूर चाहिए, समझा? मैं दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की तरह अपने असिस्टेंट्स को ब्रेक नहीं देता, ये बात अच्छी तरह समझ। ये कहानी आपने कहीं से चुराई बुराई तो नहीं है ना? क्या मतलब? What the hell यार, आज के तारीख में तू किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाएगा वो तुझसे यही मांगेगा, मार्केट में जैसा डिमांड है तुझे वैसा ही सप्लाई करना पड़ेगा। मुझे फिल्में बनानी है और ये मेरा सफर है। फिल्म मेकिंग समझते हो? हाँ सर, फिल्म मेकिंग के बारे में काफी पढ़ाई की है। वुडी एलन, बिली वाइल्डर, सत्यजीत रे, गुरु दत्त और आप मेरे फेवरेट हो सर। आप शायद लकी है मेरे लिए। लकी तो मैं हूँ, पर तुम्हारे लिए कैसे ये नहीं समझी। धूप में जैसे बरसता है, हर चीज का एक राइट टाइम होता है और तू मेरी लाइफ में राइट टाइम पे है। उस तरह घुलने लगे हैं तुझ में हम। सिर्फ एक महीना है तुम्हारे पास, प्लीज गिव मी अ सेकंड चांस। जिंदगी तुम्हें सेकंड चांस देती है क्या? इस इंडस्ट्री में लाख रुपया मिलना जितना मुश्किल है ना, करोड़ मिलना उतना है। अरे हाँ, तुम्हें हर चीज जानना जरूरी होता है क्या? इट वॉज एन अर्ली रैप अप, दैट्स इट। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दिया क्या तूने? पैसे नहीं मिले तो छोड़नी पड़ेगी यार। यू टर्न आउट टू बी अ लूजर, फेलियर सूरज। मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ? फिल्मों में। और तेरा सक्सेस रेट क्या है? जॉब छोड़ा, फॉरेन की 4 लाख की सैलरी का ऑफर छोड़ा, और ये सब छोड़ के क्या कर रहा है मेरा ये लाडला? बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री में चक्की पीस रहा है। पंछियों की झुंड जैसे नए पंछी को अपने झुंड में जगह नहीं देते, वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में भी नए आदमी को जगह बनाने में वक्त तो लगता ही है।